बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनम इम्तियाज है और मेरा ताल्लुक कम्युनिटी कॉलेज फॉर वुमन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर से है। मेरा आज का लेक्चर जो कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम फाइन आर्ट्स स्पेशलाइजेशन इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के टेक्सटाइल मार्केटिंग के लेक्चर नंबर 3 से रिलेटेड है। आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्ट इन टेक्सटाइल मार्केटिंग पढ़ेंगे। ये हमारे इन लेक्चर्स की तीसरी कड़ी है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको सामने नजर आ रहा होगा हमारे पिछले लेक्चर का लास्ट स्लाइड कि कहाँ तक हमने लेक्चर को एंड किया था और कैसे हम आगे लेक्चर को अब आगे नेक्स्ट लेकर चलेंगे। हमारे पिछले लेक्चर का लास्ट एंड हुआ था कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पर, जो बेस करता है 6 डिफरेंट वैल्यूज पर। पहला है नीड, वांट्स एंड डिमांड, दूसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तीसरा है वैल्यू, चौथा है सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी, पांचवा है एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप्स, और छठा है मार्केट्स। हमारे आज के लेक्चर में हम इन 6 कॉन्सेप्ट्स पे बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का। आपके सामने कंज्यूमर नीड्स, वॉट्स एंड डिमांड, ये पहली स्लाइड सामने नज़र आ रही है। इस स्लाइड में आपको सबसे पहले नज़र आ रहा है नीड्स, जिसका ताल्लुक है स्टेट ऑफ हेल्थ डिप्रिवेशन फ्रॉम बेसिक आइटम, यानी वो चीज़ जिसकी पहली नीड डिवेलप होती है, सच एज फूड, क्लोथिंग कॉम्प्लेक्स एंड नीड्स, यानी हमारी खुराक, हमारे कपड़े और हमारी कॉम्प्लेक्स नीड्स जैसे ज़रूरत की अशिया जिसमें चीनी या गंदम, ये वो तमाम कॉम्प्लेक्स नीड्स हैं, या वो तमाम फूड आइटम्स और हमारे कपड़ा जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। पहली बात, नीड बेस करती है उस तमाम बेसिक आइटम्स पे जिनके ऊपर डिप्रिवेशन डेवलप हो सकती है, यानी कभी भी उनकी घटकी होने की वजह से हमें उनकी डिमांड की खातिर इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम करना शुरू कर सकता है। हमारा पांचवा आइटम है सच एज फॉर बिलोंगिंग, यानी हमारी बिलोंगिंग्स भी इसका पार्ट है, दैट इज़ आई एम हंग्री, यानी अगर आपकी नीड्स हैं, ये कंज्यूमर की डिफरेंट नीड्स हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया है। वॉन्ट्स, वॉन्ट्स में फॉर्म that a human needs take as number 1 shaped by the culture and individual personality. I want a burger, fries and soft drink, yani ek insaan ki individual needs ke upar base karta hai, yani needs hamari social scenario mein base karta hai aur hamari wants hamari individual scenarios mein base karta hai. Phir hamari demands, human wants backed by buying, yani power, I have money to buy this need, यानी हमारी एक डिमांड कि हमारी नीड्स कपड़ा और खुराक हमारी बेसिक नीड्स का पार्ट है। वांट्स हमारी बेसिक शौक है या ये हमारी वांट्स है, लेकिन हमारी डिमांड होती है कि हमें पावर चाहिए चीज़ों को खरीदे, कुवत खरीद जैसे कहते हैं। हमारा दूसरी स्लाइड का पार्ट है आगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में सबसे पहले एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट to satisfy a need or want, यानी कोई भी ऐसी चीज़ product की form में जो market की satisfy करे need या wants को, कह सकते हैं कि experiences, persons and places ये change हो सकते हैं और vary कर सकता है ये organization, information और ideas के तहत। किसी भी product को launch करने के लिए हम सबसे पहले market में उसके need और want check करते हैं, फिर हम लोगों का experience और उनके places check करते हैं कि किस तरह से चीज़ों को एक्सपीरियंस के तहत लोगों ने इसको ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उनके क्या हमारे लिए आइडियाज़ डेवलप हुए कि ये चीज़ इतनी हद तक बेचनी चाहिए थी और इसको बेचने के बाद में ये फ़ायदे और ये नुकसान हुए हैं। सर्विसेज, एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स ऑफर्ड फॉर सेल दैट आर एसेंशियली इनटेंजिबल एंड डोंट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। हमारी सर्विसेज में हमारी तमाम चीज़ें फॉर सेल हो सकती हैं जो कि एसेंशियली इनटेंजिबल हैं एंड डोंट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग, यानी किसी चीज़ की ओनरशिप पर रिजल्ट नहीं होती हैं।
हमारी प्रोडक्ट्स अ बंडल ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद सर्टेन बेनिफिट्स, यानी वो तमाम एट्रीब्यूट्स जो किसी भी कंज्यूमर के बेनिफिट्स को बेस करती हैं। इसी तरह आगे हमारे रिसोर्सेज, हमारे मार्केटिंग ऑफर्स, हमारी कंज्यूमर सॉल्यूशंस जो हमारे बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं, सेलर्स हु फोकस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट रादर देन द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड सफर फ्रॉम मार्केटिंग माफिया। हम कह सकते हैं कि वो तमाम बेचने वाले लोग जो किसी प्रोडक्ट की बेचने के ऊपर फोकस करते हैं रादर के उसके उन फवायद पर या उन सफरिंग्स पर जो कि मार्केटिंग माफिया की तरफ से हमारे पास आई, तो प्रोडक्ट के ये वो तमाम लैक्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसी तरह हाउ डू यू कंज्यूमर चूज अमंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विसेज के दरमियान कैसे चूज कर सकता है। मैंने आपको पहले बताया था कि एक प्रोडक्ट में और एक सर्विसेज में क्या फ़र्क है। प्रोडक्ट किसी भी चीज़ की हमारी खुराक, हमारी क्लोदिंग्स हो सकती हैं, लेकिन सर्विसेज वो तमाम बेनिफिट्स हैं जो कोई भी कस्टमर या सेलर उनको प्रोवाइड करता है। वैल्यू गेन फ्रॉम ओनिंग अ प्रोडक्ट एंड कॉस्ट ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट इज कस्टमर वैल्यू, यानी कस्टमर की वैल्यू बेस करती है उसकी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को और कोई भी प्रोडक्ट की ओनरशिप है। फिर प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज एंड मार्केटिंग प्रोसेस जो कि बेस करता है प्रोडक्ट विद परसीव्ड परफॉर्मेंस एंड डिलीवरिंग वैल्यू। फिर आगे रिलेटिव टू बायर एक्सपेक्टेशन इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी लास्ट मोमेंट ये डेवलप करता है कि पहले क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस मैटर करती है। दूसरा स्टेप पे आ जाती है उस प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के, वो कैसे डिलीवर की गई और किस तरह से हमने उसका फ़ायदा उठाया। फिर बायर की एक्सपेक्टेशन भी सेटिस्फैक्शन की हद तक पूरी हुई या नहीं हुई। आगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कोई भी क्वालिटी मैनेजमेंट डेवलप करती है तब जब आप क्वालिटी इंप्रूव करते हैं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की और अपनी मार्केटिंग प्रोसेस की। यानी आपके कोई भी लास्ट प्रोडक्ट का बेसिक फैक्टर एंड जो एंड कोर बचता है वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, सेकेंडली द सर्विस एंड द मार्केटिंग प्रोसेस। यानी अगर आप प्रोडक्ट बनाती हैं आप उसके अंदर क्वालिटी का ख्याल रखेंगे, यानी कपड़े की क्वालिटी, आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आपने कितनी कितनी ऑफर्स की हैं उनको कि आपको किस तरह से किस में कहाँ कहाँ फ़ायदा होगा। फिर मार्केटिंग प्रोसेस कि आपने कहाँ कहाँ उसकी मार्केटिंग की है, किस किस आपने मार्केट के लेवल को चेक किया है, ये किसी भी टेक्सटाइल प्रोसेस को बेस करता है। हाउ टू कंज्यूमर्स ऑब्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अब आगे तीन डिफरेंट बातें आ गई हैं कि कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे देखता है। नंबर वन एक्सचेंजेस, नंबर टू रिलेशनशिप्स, नंबर तीन ट्रांजैक्शंस। अब एक्सचेंजेस में हमारे सामने है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, यानी एक्सचेंज में आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके तहत तमाम मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट चलता है कि कैसे लिया जाएगा कैसे दिया जाएगा। ट्रांजैक्शंस यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, आपने कितनी मेजरमेंट की चीज़ डिवेलप की है। और फिर रिलेशनशिप्स यानी बिल्डिंग मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ द कंपनी एंड ऑल इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स। रिलेशनशिप जो डिवेलप किया जाता है तमाम स्टेक होल्डर्स का, कंपनी का और इसकी सपोर्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स का, किसी भी नेटवर्क के साथ, वो सब रिलेशनशिप्स हमारे इस कंज्यूमर, इस कस्टमर और इस रिलेशनशिप के, एक्सचेंज कंज्यूमर और रिलेशनशिप के प्रोसेस को पूरा करती हैं। आई होप सो कि ये आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा बेसिक था, ये रिवीजन था, लेकिन अगर आपको समझ आ गया होगा और आप इसको रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह ने के बाद।